अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मदीहा रफीक। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है, हम आपको करवाएंगे अपने पौधों का इंट्रोडक्शन। नॉर्मली लोगों को ही बड़े पसंद होते हैं ना पौधे घरों में, मुझे भी बड़े पसंद हैं और मेरी आपी को भी। तो हमने घर में लगाए हुए हैं पौधे, यानी जितनी जगह इधर बचती है दरवाजे के पास, वहाँ पे हमने सारे पौधे लगाए हुए हैं। और ये पौधे कौन कौन से हैं, किस किस नस्ल के हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। लो जी, ये है गुलाब मियाँ। ये गुलाब का पौधा है, इसकी मैंने कलम लगाई थी एक शाख, और ये माशाल्लाह इतना फैल गया। देखे, इस पर फूल भी लगा हुआ है। इस पर फूल बड़े लगते हैं, जो हमारी छोटी चुटकी है ना, वो छोड़ती नहीं, वो उतार के ना इसके सारे जो अभी छोटी छोटी कोंपले बनने लगती हैं ऐसे की वो उतार के ना उनको नीचे फेंक देती है, इसी वजह से कम है, वरना इस पर बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं। और ये है हमारा गमला, इसमें हमने लगाया हुआ है पुदीना। ये देखें भी कितना अच्छा हो गया, बहार आ गई है ना इसलिए। और ये बूटी उगी हुई है खुद ही, ये हमने कोई नहीं लगाई। और ये है, ये माल्टे का पौधा है ऑरेंज का, ये देखें ये। और इधर ये है जामुन का पौधा, ये है। ये हर बार यहाँ से गुजरते ना बेचारा पाँव के नीचे आगे मिदा जाता है। बड़ा ढीठ फिर हो जाता है। और ये भी है जामुन का पौधा, ये बकरी खा गई थी, बहुत बड़ा था, इसको बकरी खा गई, बाद में ये बेचारा फूटा ही नहीं, बाहर वाला होने वाला है। अब बाहर आ गई है ना, अब ये हो जाएगा ये। और ये है सबसे, ये सारे पौधों का अब्बू है, ये अनार का पौधा, ये देखिए कितना बड़ा है, ये यहाँ तक है। ये अनार का पौधा है, इस पर बड़े अनार लगते हैं, बड़े अनार लगते हैं। जिसने खाने हैं ना, वो हमारे घर ना आए, हमें खुद नहीं पूरे आते, हम खुद लड़ते हैं हर बार। ये अनार का पौधा है। और ये भी है ऑरेंज का, ये देखें कितना खूबसूरत ये हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको फल भी लगा हुआ है, पर हमने अपने बच्चों से ना छुपा के रखा हुआ है, वो बड़े बीमारी हैं, वो ना उतार के फेंक देते हैं। ये भी ऑरेंज का है माशाल्लाह, इस पर फल लगा, पर मैंने आपको नहीं दिखाना, वरना आपने आ जाना खाने के लिए। और ये भी है, ये भी ऑरेंज का है, ये भी ऑरेंज का है, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और बड़े बड़े पौधे हैं। और ये है अमरूद का पौधा, ये वाला हमारा एक बड़ा भी अमरूद का पौधा था, उस पर बड़े अमरूद लगते थे, बड़े अमरूद लगते थे, पर पता है क्या हुआ, वो ना उस पर बड़ी कीड़ियाँ थी, मेरे बहनों ही ने ना ला के मिट्टी का तेल उसकी जड़ों में डाल दिया, वो बेचारा सड़ा ही सूख सड़ गया। ये एक छोटा, ये काका भी है, ये छोटा गमले में पौधा है, ये नया आया है हमारे घर, अभी इसका दिल नहीं लग रहा इसलिए अभी ये मुरझाया सा है, बाकी सबका दिल लग गया ना, देखो कितने हरे बड़े हैं बाकी सारे। और ये काका खड़ा है और वो छोटी काकी चूई खड़ी है, जो गुलाब के पौधों को टिकने नहीं देती। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो क्या हाल है, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं आता सब्सक्राइब, भाभी आप बोलो क्यों पत्ता ला दे आए, मेरे को पत्ता नहीं लाई दे। और इधर ये हैं बड़े पौधे, ये मैंगो का पौधा है, ये वो कहते हैं ना मैंगो बड़े नाजुक होते हैं, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे है, ये 3 साल से इतने का इतना ही है, ये नहीं बड़ा। और ये दरेक के दरख्त हैं, ये देखें, ये हमने ना इनके सारे टहनियाँ वगैरह उतारी हुई थी, अब बहार है ना तो इसलिए अब ये दोबारा होंगे। और ये इधर ये है सफ़ेदा, वो वाइट वाला, ये वाइट वाला, ये सफ़ेदा है। और ये जो है ये शहतूत का दरख्त है, ये देखिए कितने बड़े, मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ तक हैं, इतने बड़े हैं। और वो भी दरेक का दरख्त है, ये देखें इस साइड में ना वीडियो इतनी साफ नहीं आ रही, ये भी दरेक का दरख्त है। और एक है हमारा शहतूत इधर, ये भी शहतूत का दरख्त है, ये मेरे बहनोई ने इसको ऐसा काटा बेचारा, ये देखें ये हुआ ही नहीं, इस पर मेरी अभी ने कपड़े लटकाए हुए हैं, हो जाएगा पर आहिस्ता आहिस्ता होगा, टाइम लगेगा इसको फूटने में। और ये है हमारे घर का बाहर का गेट, खोलो दरवाज़ा, ये देखें घर से बाहर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रौनके हैं, क्या मज़े हैं। ये स्टाला है हमारे घर के बाहर, ये देखें कितना खूबसूरत है ना, है ना, बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा है ये। और वो सामने गोबर का ढेर लगा हुआ है, वो हमने नहीं लगाया, किसी और ने लगाया है। और ये
ये हमारे घर के साथ खाली आता है, यहाँ पे हम कूड़ा फेंकते हैं और लकड़ियाँ काट के रखते हैं जलाने के लिए। मैंने बताया था ना हमारे यहाँ पे गैस नहीं है। और ये भी सामने सारे दरख्त हैं, ये भी घर है। और ये सारे देखे स्टाला लगा हुआ है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है ना। है तो गांव का लेकिन खूबसूरत बड़ा है, बड़ा प्यारा लगता है। ग्रीनरी तो वैसे ही मुझे बड़ी 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 पसंद है। और ये हमारे बच्चे आगे इसका वो हाल करते हैं, वो हाल करते हैं, बेचारे को लटा ही देते हैं। और वो हमारे घर के सामने से रोड गुजर रही है, ये मैं दिखाती हूँ, वो जहाँ से वो आदमी गुजर है ना वो रोड है हमारे घर के सामने से बिल्कुल जो गुजरती है। और एक रोड है इधर भी है, ये वाली। और अब मैं आती हूँ कैमरे के सामने। मैं पता है क्यों कैमरे के सामने नहीं आती, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखती। मैंने कहा चलो मैंने इनको अभी बाहर बाहर से दिखाती हूँ। पुत्र जिस दिन होगी ना मैं वायरल फिर तुम लोगों ने मुझे देखना करना है, फिर मुझसे मिलने के लिए तुम लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है, पर मैंने तुम लोगों को टाइम नहीं देना करना। मुझे किसी ने कहा था कि आप ना बैक कैमरे से जो है वो साइड्स का एरिया ज़्यादा दिखाया करें, अभी लोग आपको जानते नहीं हैं इसलिए आपका पूरा व्लॉग नहीं देखते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिस दिन पुत्र मैं हो गई ना वायरल फिर देखना तुम सारे मुझे देखते, इसीलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आ रही। आई एम एंग्री टू यू ऑल। और अभी मैं मोबाइल किसी और को पकड़ा के फिर आती हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि मैंने ना बैक कैमरे से ये बना रही हूँ। और चलो मैं खुद ही आ ही जाती हूँ, क्या याद करोगे, आप लोग भी उदास हो गए इतने दिनों से मुझे देखे बगैर, है ना, ऐसे ही है ना। इतने दिनों से मैं कैमरे के सामने भी तो नहीं ना आई, मैंने कहा अब नहीं मैंने आना करना, मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाऊँ करूँगी, फिर तो आप लोग देखते हैं ना। बैक कैमरे से बनाऊँ तो अच्छे व्यूज़ हैं, फ्रंट से बनाऊँ तो व्यूज़ नहीं है। ये क्या हरकत है वैसे, मुझे एक्सप्लेन करें ज़रा कमेंट बॉक्स में। और अब मैं आई हूँ कैमरे के सामने, तो बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा, ईद की शॉपिंग की है कि नहीं की। हमने सुबह जाना है ईद की शॉपिंग करने के लिए, कल संडे है, कल जॉब से छुट्टी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ईद की शॉपिंग। और आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपने ईद की शॉपिंग कर ली है कि नहीं की, और की है तो क्या क्या लिया है। तो अब जो है वो रोज़ अफ्तार होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, आप ही खाना बना रही हैं, तो मैंने कहा चलें आप खाना बनाएं मैं भी व्लॉग बना लूँ। दो दिनों से भी लोग अपलोड नहीं ना किया, आप लोगों का रिस्पॉन्स देके मेरा व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं भी एक दिन वायरल हो जाऊंगी। और रिमशा साहब आई हुई हैं गांव से, तब कल हम जाएंगे ईद की शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, और फिर उसका व्लॉग कल बनाएंगे, कल आपको दिखाएंगे। और ये काका कह रहे हैं मेरी वीडियो भी बनाओ। लो जी लो, ये छोटी काकी शदैन हमारी, ये शदैन है, शदैन है, पापड़ खाने नहीं, पापड़ खाने नहीं, वैसे पापड़ ले गए छोड़ती नहीं है, ऐसे को पापड़ खाने नहीं करती हो कुछ, मैं नहीं खानी, खुशी कर देने, खुशी कर देने हैं, इतनी कमी है। वो देखो अब कहाँ पे घूम रही है, पापड़ खाने नहीं, पापड़ खाने नहीं, खुशी कर देने। ये काका बोलो पीछे हो गए, बोलो पीछे हो गए, बोलो 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 क्या हाल है, बोलो मैं स्कूल को नहीं जाता, मस्जिद भी कोई नहीं जाता, बस खाला नुस्ताना वगार रह गए, रात को ये ना सोता भी मेरे साथ ही है। तो छोटा होंदा कितने को दूध पींदा होंदा शे फीडर गोल, वो आ गई है, बस आ गई है, वो भी आ गई है, आ गई है। बाबे रहमत इधर देखो, इधर देखो, रिव्यूज को बोलो, व्यूज को बोलो खाए, बोलो बोलो पापड़ खाशी कर देने, खाशी कर देने। अच्छा जी चलें जी, आज का हमारा व्लॉग इतना सही था। ये देखिए मैंने स्टाले की टहनी पकड़ी हुई है। और अब मैं करती हूँ व्लॉग एंड, क्योंकि अब जो है वो इफ्तार का टाइम होने वाला है। तो हमारे घर का जो बाहर से व्यू है ना वो ये है, और ये बड़ा भी आ गया, बड़ा भी आ गया, आ गया फाइनली। अहमद अजान इधर आओ, इधर आओ ना मेरे पास, इधर उधर उधर खड़े रहो, उधर थोड़ा सा दूर इधर आओ। चलो सोने की दुआ सुनाओ, ऊंची आवाज से इलम इजाफे की दुआ सुनाओ, अव्वल कलमा सुनाओ, और कौन सी, दूध पीने की दुआ सुनाओ, दूध पीने की दुआ, मुबारक
भागता हुआ आया ना, अभी से सांस चढ़ा हुआ है माशाल्लाह। ये स्कूल जाते हैं, तीन बच्चे हैं मेरी, ये भांजे भांजे हैं मेरे। सबसे बड़ा ये अहमद अजान है, उसके बाद फिर ये मोहम्मद अयान, इसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर छोटी है बाबी जाबिर अहमद है, चुई सबसे शियार है, सबसे छोटी लेकिन सबसे शियार है। बस ये अब ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। ऐसे ही करते हैं सारा दिन, यहाँ पे लूर लूर फिरते रहते हैं। स्टाला बेचारा लटा देते हैं नीचे। और ये हूँ मैं, और ठीक है अब मैं भी लोग एंड करने लगी हूँ, क्योंकि फिर रात को इसको एडिट करके अपलोड है। आपको पता है तरावियाँ भी पढ़नी होती है माशाल्लाह, 20 तरावियाँ नमाज भी पढ़नी होती है, फिर वो उस भी बड़ा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो मैं भी लोग ना सुबह उठ के अपलोड करती हूँ, है ना, देखते होंगे आप लोग टाइम। तो अब मैं भी लोग एंड करने लगी हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दिल लगा के रमज़ान के रोज़े रखिए। मैं भी लोग एंड करने लगी हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे भी लोग देखना मत भूलिएगा। हम आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय, चलो दो मिनट हंसी आ जाती है ना आपके चेहरे पर, वही काफ़ी है, बस वही बेहतर है सब। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।